나무. वेलकम गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ चर्चा विद थगवा एंड आज मेरे साथ है नन अदर देन समीर चौबे ए के ए आई एन डी क्रेटोस. सो क्रेटोस कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, तू बता कैसा है? एकदम मस्त बढ़िया. सो क्रेटोस फ्रॉम एन एम क्रेटोस टू आई एन डी क्रेटोस को ओनर ऑफ आई एन एस, हाउ इज लाइफ चेंज फॉर यू इन पबजी? सो अब मैं जब पहले स्टार्ट किया था गेमिंग का भी सोचा नहीं था इतना डीप आऊँगा एक तो, और तब तो एक ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए खेल रहे थे. तो फनी थिंग कि एक इंडियन इवेंट था जिसमें ऑस्ट्रेलियन टीम अलाउड नहीं थी, तब से हम लोग एक इंडियन विंग बनाए एनएम का. फिर कोई हम लोग का एक्नॉलेजमेंट था कि हाँ स्पॉन्सर्स और एक ऑर्ग बनाना या ज्वाइन करना था, बनाना तो कभी था नहीं. फिर देन सडनली आफ्टर प्लेइंग मेजर टूर्नामेंट्स चेंजेस हुए रोस्टर्स में, फिर हमको एक हमारे लिए एक सरप्राइज टाइप का था, लाइफ में मिरेकल था काइंड ऑफ. क्रिश भाई जॉइंड अस, फिर सपोर्टेड अस और मेंटर किया बहुत, फिर कैसे करना आगे. सो हाँ, उसके अकॉर्डिंग प्लान बना के जब हम लोग ने आई एन डी बनाई एंड देन वी काइंड ऑफ डोमिनेटेड इन स्टार्टिंग ऑफ दैट रोस्टर, सो तब तो बहुत मज़ा था. फिर एक एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई टीम से भी खुद से भी कि हाँ आगे तक जाना है, अभी तो बहुत कुछ करना है. फिर चेंजेस आए एंड देन फिर ये था कि क्रिश भाई के साथ रह के एक्चुअली वो खुद इतना इन्वॉल्व थे दूसरी चीज़ों पे तो उतना मैनेज कर नहीं रहे थे. फिर उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया को ओनर बनने का, जो मेरे लिए बहुत बड़ा वो था, लेकिन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतना जल्दी मिलेगा या ऐसा कुछ मिलेगा भी. तो फिर वियर्ड था, लेकिन हाँ मेरे को मज़ा आया. ये सब मैं एक्चुअली करता ही था, मैनेजमेंट वगैरह में तो मैं ही करता था, प्लेयर्स से लेके काइंड ऑफ अदर थिंग्स, तो इंटरेस्टिंग था. बट अब ये है कि काम बढ़ गया है और गेमिंग में भी ध्यान देना है और करियर भी है, बट अच्छा चल रहा है तब तक, तो इट्स ग्रेट फॉर मी, ग्रेट एंड फॉर टीम एज. सही बात है. अच्छा तो क्रेटोस देख, आपके जैसे और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, यू गाइज आर द अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन पबजी मोबाइल. आप लोग को उतना फेम नहीं मिला, बट डीप डाउन आई नो, वी ऑल नो हाउ ग्रेट ऑफ अ प्लेयर यू आर, वॉट वेट डू होल्ड, वेटेज यू होल्ड इन दिस कम्युनिटी. सो हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ अमंग्स बहुत सारे और लोग जो आज के दिन टॉप में है, चाहे वो मॉर्टल हो, चाहे वो स्काउट हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टॉप में है, जो जनता के हमेशा आंखों में रहते हैं, बट हाउ डिफिकल्ट हैज इट बीन फॉर यू टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अ ग्रेट प्लेयर, विच इज नॉट आई एम करेंटली, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू इट. तो क्या होता है कि हर प्लेयर की एक क्वालिटी होती है, तो मेरा हमेशा से वो रहा है कि मैं स्टडी ज़्यादा करता हूँ मैं चीज़ों पे, और मेरे को कभी कोई फेम का या इसका शौक था नहीं. सो मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी टीम स्ट्रैटेजिकली खेले, और मैं पहले भी बहुत सारे गेम्स खेलता था स्ट्रैटेजिकली बेस्ड, तो मैं को मज़ा आता है ये चीज़ करने में, तो मैं ये चीज़ें तो शौक से करता हूँ. बट रही बात भाई कि लोग जाने और एंड ऑल, तो मैं उतना एक्टिव था नहीं, ना मैं अभी भी उतना सोशली एक्टिव हूँ, राइट, बट इसलिए मे बी समवेयर आई लैग बिहाइंड. बट आई थिंक कि मैं अगर स्टार्ट करूँ थोड़ा, सो देर विल बी अ चेंज, ड्रास्टिक चेंज, अगर मैं अपलोड करूँ चीज़ें या लोगों से कनेक्ट करूँ ज़्यादा, राइट, विच आई थिंक आई डेफिनेटली शुड. यू डेफिनेटली शुड, इवन आई फील दैट. सो आई विल डू इट एट सम पॉइंट, बट आई एम वेटिंग फॉर लाइक आई हैव सच अदर प्लान्स फॉर नाउ, तो अभी के लिए वो फोकस्ड है, बट उसमें अपन करेंगे आगे थोड़ा टाइम. ओके. अच्छा सो क्रेटोस, हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू एडजस्ट आफ्टर स्काउट लेफ्ट योर लाइनअप? फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम सडन चेंज था, रातों रात डिसीजन हुआ, तो आई पैनिक ऑफकोर्स. एंड ये भी था कि स्काउट हिमसेल्फ आस्क्ड मी टू जॉइन हिम एज वेल, ओके, क्योंकि कुछ जम नहीं रही थी रोस्टर में भी चीज़ें, और उसको भी कुछ करना था. तो प्रॉब्लम थी, बट मेरे लिए ऐसा तो सब जानते हैं कि मैं ट्रांस के साथ था ही हमेशा से, तो मैं रहूँगा ही, तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहता था. और दलजीत भी था, और दलजीत के साथ मैं इतना इमोशनली कनेक्ट कर चुका था कि मैं, मेरा एक रीज़न ही यही था, एक क्या दोनों ही रीज़न है कि मैं नहीं छोड़ता कभी उनको, राइट. तो मैं इनफैक्ट मैं मनाया स्काउट को, लेकिन वो माना नहीं, फॉर हिज डिसीजन मैं रिस्पेक्ट किया, टीम ने भी किया. सो वी स्टिक विद, आई स्टिक विद माई टीम. ओके. फिर एंड देन आई मेट स्लेयर. सो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स हुई थी, सिनर्जी नहीं था, बट आई थिंक नाउ तो आफ्टर मेकिंग सर्टेन चेंजेस और फिर स्टडी करना, और फिर हम बूट कैंप में भी साथ में थे, इमोशनली कनेक्ट हुए. स्लेयर इज अ वंडरफुल गाय, नो इश्यूज इन हिम. आई थिंक स्लेयर जैसा रिप्लेसमेंट हम लोग को कभी नहीं मिलता. ओके. एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी कि मेरे को वो ऐसा प्लेयर मिला है. तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स हमको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हम लोग एग्रेसिव खेलते थे, बट वो गेम स्टाइल चेंज हो गया, क्योंकि स्काउट के जाने के बाद वो आईजीएल था वो हमारा, बट वो एग्रेसिवनेस हमारे गेम से हट गया था. बट फिर अभी हम जब कॉन्फिडेंट आ गए, तो आई गेस वी आर
बैक ऑन द सेम ट्रैक बट थोड़ा दिमाग के साथ हम लोग फिर से एग्रेसिव खेलेंगे. ओके सो हैविंग सेड दैट कि वो आईजीएल था तो अब रूल्स क्या है आईएनडी में? रूल्स इन द सेंस रूल्स प्लेयर्स के क्या रूल्स है? सो हमेशा से क्या था कि स्काउट आईजीएल तो करता था बट कॉल्स मेरे होते थे कि ये चीजें करनी है कि नहीं. तो अब वो था कि स्काउट के साथ रह के मैंने वो एक्सपीरियंस भी ले लिया है. ओके और स्लेयर भी बहुत अच्छा फिल्टर करता है. ओके तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मैं बहुत जल्दी पैनिक करता हूँ और स्लेयर बहुत काम रहता है तो वो फिल्टर करता है ऐसे टाइम पे. तो एंड जोन तो मैं हमेशा ऐसा होता है कि गेम्स खेल रहे हैं हम लोग टफ सिचुएशन है तो स्लेयर को ही दे देता हूँ मैं अपने गेम पे ध्यान देने लगता हूँ ताकि मैं टीम को आगे खेल पाऊँ और मैं एज अ सपोर्ट प्लेयर भी खेलता हूँ तो फिर मेरे लिए बहुत बेनिफिट होता है ये. बाकी दलजीत एज यूजुअल स्नाइपर और स्लेयर भी स्लेयर का क्लोज कॉम्बैट बहुत अच्छा है तो वो एग्रेसिव भी खेलता है मूवमेंट सिचुएशंस के हिसाब से. तो मैंने एंट्री फ्रैगर ट्रांस को रखा था और स्लेयर सपोर्ट एंट्री था बट अभी कुछ चेंजेस किया ट्रांस ने भी अपने गेम प्ले में और सेटिंग्स में तो हम चेंज करके एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस बार पीएमसीओ में. तो हमारा नया एंट्री फ्रैगर स्लेयर रहेगा. ओके एंड ट्रांस विल बी सपोर्ट. ओके एंड एट द सेम टाइम दलजीत विल बी थर्ड एंट्री एंड आई विल बी द ओनली वन प्लेइंग एज अ सपोर्ट नाउ. ओके नाइस टू हियर दैट. क्रेटोस पर हाउ डू यू बैलेंस योरसेल्फ एज अ प्लेयर एंड अ को ओनर? देखिए मैं खुद एक बिट ओन करता हूँ सो आई नो देयर लॉट ऑफ टाइम्स के कंफ्लिक्ट रहते हैं. आप खुद को ओनर हो यू नीड टू डील विद योर टीममेट्स यू नीड टू एंश्योर दैट यू नो टीम अच्छी परफॉर्म कर दी है फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो यू नो एक कंफ्लिक्ट माइंड में हमेशा चलते रहता है तो हाउ डू यू बैलेंस इट आउट? एक्चुअली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया बहुत इश्यूज हो रहे थे तो अब तो एक एज अ प्लेयर तो था ही बट एज अ को ओनर मेरे को रिजल्ट्स भी दिखाने होते हैं राइट तो वो मिल नहीं रहा था तो बहुत उस समय कॉन्फ्लिक्ट्स थे डिसीजंस में बहुत इश्यूज हो रहे थे बट इवेंचुअली हमारी जो दूसरी टीम भी आई एन एस वो आई थिंक वन ऑफ द मैच्योर टीम है जो कभी इश्यूज नहीं क्रिएट की अपने में रहते हैं तो दे मेक इट वेरी कंफर्टेबल फॉर मी टू हैंडल बोथ द टीम्स क्योंकि उन्होंने भी कार्टून है जैसा उसमें तो व्हाट दे डू इज दे डिस्कस एवरीथिंग एंड दे लेट मी नो इन लाइक एक सर्टेन टाइम होता है. हाँ एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मेरे को उनके लिए सॉल्यूशन नहीं खोजना होता वो खुद सॉल्यूशन लेके आते हैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ कि ये करना है मेरे को बस एग्जीक्यूट करना होता है अपने दिमाग से तो दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी टू हैंडल दिस बॉस बट देखते हैं अभी तो उतना कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कभी हुआ नहीं हमारे बीच टच वुड हो भी नहीं. यस सो व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ आईएनएस इन मोल्डिंग योर करियर? आईएनएस और का क्या रोल है? सो मैं मेरा एक करियर दूसरा है आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ म्यूजिक प्रोडक्शन लाइक एन आर्टिस्ट तो मैं जो मेरा करियर है एक तो फैमिली यूजुअली ये सब करियर में सपोर्ट नहीं करती लेकिन टच वुड मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है तो मैं हमेशा से चाहता हूँ कि मेरे को बहुत एक्सपेंसेस उठाने होंगे ये करियर को आगे करने के लिए तो मेरे को एक आईएनएस जो था ये गेम और ये जो करियर मेरे को ये साइड प्रोफेशन जो मिला ये मेरे को जो अर्निंग्स और ये जो हेल्प दे रहा है इसलिए मेरे को बहुत हेल्पफुल हो रहा है कि मैं आगे का जो करियर बनाऊंगा उसमें मेरे पास एक अपना खुद का माइंड सेट होगा और मैं प्रिपेयर्ड भी हूँ इस बार क्योंकि जैसे कि मैं कोनर हूँ सो इट्स लाइक अपन वी डील्स विद मार्केट वी नो हाउ मार्केट इज राइट एंड एज एन आर्टिस्ट ये मेरा बेसिक क्लियर कर दे रहा है अभी से तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी इन फ्यूचर ऑल्सो लाइक बींग अ कोनर ऑल्सो एंड एज एन आर्टिस्ट आई विल कंटिन्यू विद दैट एंड आई विल हैव ऑल द एक्सपीरियंस व्हिच आई नीड आई गेस. अच्छा तो बात करियर की बात करें तो स्काउट जो बोला था क्रेटोस का म्यूजिक करियर उसका क्या चल रहा है? इसका अभी तो स्काउट ने उस समय एक्चुअली मैंने डिसीजन लिया था कि अगर स्काउट जा ही रहा है और अगर हम पीएमआईटी में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आई एम गोना टेक अ ब्रेक बट एट द सेम टाइम हम पीएमआईटी में सिर्फ एक छोटी गलती से एक पॉइंट से रह गए तो एक्सपेक्टेशंस थी जो वहाँ ख़त्म नहीं हुई तो मैं बोला कि लेट्स गो फिर अनदर चांस तो फिर मैंने अपना म्यूजिक करियर फिर से और ब्रेक में रखा है अभी आई गेस इट्स बीन सिक्स मंथ्स नाउ मैं अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ बट आई डेफिनेटली गो फॉर इट इसलिए अभी होल्ड पे हूँ. राइट क्रेटोस लाइक आईएनडी हैज ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग ग्रेट बट नॉट एक्सीलेंट मतलब आप लोग अच्छा खेलते हो यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस बट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स व्हाट कीप्स यू गोइंग? सो द थिंग इज एक्चुअली एवरी टाइम वी हैव बीन लाइक वी हैड ड्रॉबैक्स सो यूजुअली हमारा कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता जब हम यूज कर रहे होते हैं लाइक इवन इनफैक्ट लास्ट टाइम इन पीएमसीओ इट वाज यू वर लीडिंग इन द सेकंड लास्ट गेम एंड व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि व्हाट वी थॉट इन द लास्ट गेम इज लाइक वी ऑलरेडी वन वी जस्ट हैव टू प्ले इट कम एंड वी नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बी हैपनिंग सो The fault was nothing. We just panicked. भाई क्योंकि वो एक प्रेशर था और एक खुशी थी कि आप लोग जीत गए हो. एक एक हम लोग एक अर्ली मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए विद इन अस आई वुड से बट वैसा हुआ नहीं.
अनफॉर्चुनेटली तो अब वो चीज़ हम लोग ध्यान रखते हुए अब आगे हम परसू कर रहे हैं आगे इतना हम लोग को जितने टूर्नामेंट्स हैं मेजर्स, तो अभी इस लेयर में जैसे मैं आपको बोला वो बहुत हेल्प करता है टीम को, वो इन्वेस्ट करता है अपना टाइम इंडिविजुअल प्लेयर्स को, उसको मोटिवेट रखता है, तो आई गेस दैट इज व्हाट इज हैपनिंग मी राइट नाउ टू मेक श्योर दैट आईएनडी इज परफॉर्मिंग ग्रेट। राइट क्रेटोस, जैसे कि आपने कहा आप सोशल इतना एक्टिव नहीं हो, बट आई हैव ऑब्जर्व टू डेट यू आर अ साइलेंट ऑब्जर्वर ऑफ द कम्युनिटी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए व्हाट इज दैट मल्टीपल एडवाइस दैट यू वुड शेयर विद प्लेयर्स एंड व्यूअर्स? मतलब आप देखिए, मैं और आप ऑलमोस्ट सेम प्लेटफॉर्म में, बोथ आर को-ओनर्स ऑफ आर ऑर्ग्स, तो यू नो हम लोग के पास कुछ बातें होती हैं जो विच वी सी फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऐसी क्या बातें हैं जो व्यूअर्स एंड प्लेयर्स, जो भी कम्पिटिटिव कम्युनिटी के प्लेयर्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक इतने टाइम से रहने के बाद ये है कि हर प्लेयर का टाइम आता है, तो वेट फॉर योर राइट टाइम। एक तो डोंट रश इनटू एनीथिंग, राइट? एंड नाउ इट हैज़ बीन दैट एवरी वन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक पीपल वॉन्ट टू टेल एवरी थिंग एवरी वन विदाउट नोइंग द फैक्ट कि आगे उससे एक फ्लॉज भी है या कुछ हो सकता क्या है, रिपरकशन हो हाँ सकते हैं उसके। एग्जैक्टली क्योंकि व्यूअरशिप जो देखती है उसमें वो भी एक्ट करते हैं, और बहुत जैसे कि टॉक्सिसिटी बहुत फॉर ज्यादा हो द जाती है। एंड यूट्यूब अभी करेंटली इज लाइक कम्प्लीटली टॉक्सिक, राइट? सो आई थिंक कि मैं सजेस्ट करूंगा कम्युनिटी को पहले करूंगा कि व्हेन यू कैन हैंडल एवरीथिंग ऑन योर सेल्फ व्हाई डू यू हैव टू मेक इट एन इशू, व्हाई यू हैव टू मेक, वेरी राइट, लाइक यू हैव टू डू इट बाय योर ओन एंड डील विद इट, जस्ट ग्रो अप आई गेस। हां मतलब वही बात है कि व्हाट आई अपने थिंक में इज सल्टा लो, सल्टा लो यार, खत्म करना, खतम, हो गया ना हो गेम गया। में दिखा लेना जो करना है, ट्रू। सो आई गेस दैट्स व्हाट इज टू बी डन राइट नाउ टू द प्लेयर्स एंड टू द व्यूज। आई वुड से कि कर रहे हो देख रहे हो बट थोड़ा समझो, हाँ सिचुएशन समझो और मत बढ़ाओ उसको, और मत आप भी कम कर सकते हो वेरी अपनी तरफ टू वेरी से। टू मतलब ये बात बहुत सही कहा आपने कि अगर यू नो ऑडियंस एज अ होल इफ दे स्टॉप रिएक्टिंग, आई थिंक रिएक्शन वहीं खत्म हो जाती है, वो हमारे लिए कैटलिस्ट होती है इश्यूज को बड़ा करने के लिए। बट इसके साथ क्रेटोस एक सवाल, आपने NM से आप INDI में चेंजेस हुए, आपके लिए ड्रीम लाइनअप क्या है आपको इंक्लूड करते हुए? मेरे को इंक्लूड करते हुए आई वुड से I would keep Slayer definitely, okay, and always also, okay, and also Scout at the same time, okay. Trans gaya, Trans will be always. It's like कि मेरा Trans ना हम लोग बहुत साल से खेल रहे हैं, तो हम लोग का game ना एकदम copy paste है, but okay. game sense में थोड़ा ही lacks, but okay. skills में at the same time I lack, okay. तो I would say कि अगर वो मेरा सब रहेगा और वो मेरा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं जब टीम नहीं कर रही मतलब मैं गड़बड़ कर रहा हूँ स्किल के हिसाब से, क्योंकि बाकी फिर Slayer is a brain himself. Always his brain himself and scout also. I think अगर मैं वहाँ पर अपना गेम सेंस लगा रहा हूँ तो अ टीम कुड बी परफेक्ट, बट मेरा स्किल कम है इसलिए मैं अपने आप को ही रिप्लेस करूँगा ट्रांस से वहाँ। अच्छा तो हु डू यू थिंक इज द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर INDI? फॉर नाउ आई वुड सजेस्ट ऐसे तो आई डोंट थिंक एनीवन, बिकॉज आई हैव मेड न्यू स्ट्रैट्स, तो अभी वो एक्सपीरियंस लिया नहीं है। अच्छा तो आई थिंक अपकमिंग वीक में हमारा प्रैक्टिस मैचेस होगा और स्क्रिम होंगे, उसमें वी वुड अप्लाई इट एंड देन वी विल नो हु इज द वन विच इज क्लैशिंग विद अस। ओके बट एज अ होल देखेंगे तो डेफिनेटली ऑरेंज रॉक, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कंसिस्टेंसी में, एंड सो डज ऑरेंज रॉक, सो डज ऑरेंज रॉक। इट्स नॉट लाइक यू कांट प्ले वन गेम एट द बेस्ट एंड देन यू आर डाइंग अर्ली इन द नेक्स्ट टू गेम्स, सो आई थिंक ऑरेंज रॉक ओवरऑल। So last question Kratos, where do you see yourself 2 years down the lane? See, I think after 2 years I would say I'll be quitting competitive, I guess. Okay. But if some other game comes up which is far better than this, I will go for it also. But I'll be quitting the competitive, but I wanna do streaming, I would say, because I love gaming and it's not about just PUBG, I wanna do everything like PS4, every console, whatever, right. I can try. Become a gaming YouTuber, yeah. Not a PUBG YouTuber, YouTuber as well, and then continue my music career as well. Because this will be like, जहाँ परेशान हो रहे तो यहाँ थोड़ा टाइम हाँ मूड ठीक कर लो। सही बात है। ओके गाइस, दैट वाज अ रियली फन इंटरव्यू विद क्रेटोस, एंड गाइस ये हमारा पहला एपिसोड था चर्चा विद थगुआ हमारे क्रेटोस भाई के साथ। बट गाइस इफ यू लाइक इट एंड एंजॉय, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक एंड सब बटन, बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड इज गोना बी सुपर फन, जिसमें हम क्रेटोस के ऊपर बूम बाम शॉर्ट्स छोड़ेंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस के। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट बेल आइकन गाइस, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।